श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। जय जय हनुमान। प्रिय भक्तगणों, सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आज के दिन मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके दिन में हनुमान जी का पूजन कर मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है तथा संकट मोचन हनुमान की कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए जय सिया राम का उद्घोष करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वो अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चल बसी थी और अब पिता का साया भी सर से उठ चुका था। सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करते और आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दे। अब दुर्गेश खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वह हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के प्रसव का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोसी की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वह गंगा के तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में तीन डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधी कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ और मैं कितना का कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपये आपके ऊपर है, आपने दिए नहीं थे, आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपये दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ? तब बच्चे ने कहा, हाँ हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर चले आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता, उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में तीन डुबकी लगाई, उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर हैं हम और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो और कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपये का कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं, मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्ण अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला,
मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी तो सुनो, उस पर हमारे 100 रुपए का कर्ज था, तो हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुमने देखा कि पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नाम मात्र ही होती है, पर होती तो है। सुबह हमारे 100 रुपए जल्दी ही चुकता कर हमें रुलाकर चला जाता, हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उसे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा? पंडित जी की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था, फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हसमुख नहीं रही, उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उसे कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी, वह राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गईं, सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया। राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोच कर ही सिहर जाती, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था, वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोच कर कर रहा था। दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी का प्रताप यह हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भधारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वह हर समय अपने तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और प्रसव समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आप पड़ोसन वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोसन की बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप राजा को खबर दे दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला दिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी पंडित जी अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने उससे पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 50,000 रुपये का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चों ने भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ,
मेरे ऊपर आपके 50,000 रुपये कर्ज है। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ तुम अपने दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों करके आए। दुर्गेश कहने लगा, महाराज आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने सवा आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है, इसलिए मैंने अपने विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उसका मुझ पर। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती, इसलिए उन दोनों के हिसाब चुकता करके वही गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया। पंडित दुर्गेश कहने लगे, इस पर मेरा 50,000 रुपये है, उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचे। यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते। बेटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करने तक एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वह 18 का लगता था। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती, हनुमान जी को धन्यवाद देती और राजा का भी धन्यवाद करती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। अब पंडिताई मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो अब उसके घर में 2-2 कमाने वाले हो गए थे। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे का विवाह भी कर देंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी, कल दोनों ही काम पर जाएंगे। पंडिताइन को रात में नींद नहीं आई।
वह सोचने में ही करवट बदलती बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्द ही जगकर रसोई का काम निपटाकर स्नान ध्यान करके हनुमान जी की पूजा करने के बाद खाना बना दिया और अब निश्चिंत होकर चरपाई पर लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चिंता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा श्रीमती जी सो रही हैं, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे जगाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा। तब सावित्री ने उससे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के आसन लगाकर उसे खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने आंखों में आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंदें ही चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? ऊपर से उस स्त्री ने देखा, एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम की पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए और ठककर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ ना मिलने पर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूं। चंद्रदेव ने कहा, माताजी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ, बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो। चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है, मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ दूसरी बात, मैं आपका रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसीलिए पूछ लिया, अब आपकी मर्जी है जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है तुम जो भी कहो, इतना समझ लो मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है मैं पैसे मांग कब रहा हूँ? तो वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो? स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा, अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी, सोचने लगी कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पत्रा निकाला और उसमें देखने लगा, अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधा घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो, ढोंगी कहीं के मुझे बेवकूफ समझाए हैं क्या? चंद्रदेव ने कहा, वो कैसे? स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा फिर यह कैसी बात कह रही हो आप? स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्रदेव बोला,
बहन, मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपने विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे तक आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा अच्छा ज्योतिषी जी, तो आप कह रहे थे हमारे पति आज रात में आएंगे। चंद्रदेव कहने लगा, हाँ, आज रात्रि के ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे, वह हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता दूँ कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। चंद्रदेव वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुंचा। अब अपने पुत्र को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि मेरा लाडला इतनी देर से आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, चंद्रदेव को गुनगुना पानी लाकर दिया और कहने लगी, बेटा, हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होगी, खाना खा लो। वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटे, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ, बस बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ, अभी खेल ले कूद ले, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद कर दी, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल चल, उधार किया तो उसका क्या पता आया कि नहीं आया। इन्हीं बातों के चलते खाना हो गया और सब लोग खाकर सो गए। इधर जो वो स्त्री थी वह अपने पति का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर अपने घर आ गया। उसने दरवाजा खुलवाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वह यह सोचकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि वाकई में वह लड़का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे इनाम देना चाहिए। इसलिए उसने अपने पति से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसे उसका इनाम दो, उसी की वजह से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वह आदमी बहुत समझाता है, भाग्यवान, पहले घर में तो आने दो। नहीं, पहले आप जब तक वह दक्षिणा देकर नहीं आएंगे घर में कदम मत रखिएगा। अब वह ठीक है कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात में दरवाजा खुलवाया और पंडिताइन को एक थाली सोना चांदी जवाहरात देकर कहा कि पंडिताइन, यह तुम्हारे बेटे का दक्षिणा है, तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ा खुश हुई और परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। अब यह कहकर वह सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे, पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन, आज क्या हुआ, तुम अभी तक सोई हुई है? इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो ना, मेरा बेटा कल पहली बार इतना लाया है कि पूरा घर भर गया। पंडित जी यह सुनकर चौंक गए और बोले, पंडिताइन, तुम क्या बात करती हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ सही कहती हूँ, तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधारी किया था ना, उसे रात में ही जजमान ने पहुँचा दिया। ये देखो, एक परात भर मुद्राएं हैं। यह देखकर तो पंडित जी अपने सर पर हाथ धरकर तुरंत जमीन पर बैठ गए और रोने बिलखने लगे। पंडिताइन यह देखकर पूछने लगी, तो पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले तू घर के अंदर जाके देख, तेरा पुत्र जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकालकर देखने लगी। अब वह भागी भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है और वह जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के उसने अपने सभी कर्जों को चुकाकर हमसे मुक्ति पा ली है, इसीलिए तो हम उसे कमाना देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो
अब वही तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडितायन बिना अन्न पानी के एक हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो वह मरणासन हो गई। यह देखकर हनुमान जी भी बड़ी प्रसन्न हुए और बोले, यदि मैंने इस ब्राह्मणी को दर्शन नहीं दिया तो सभी भक्तों का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडितायन के घर उसकी कुटिया में ही प्रकट हो गए और बोले, पंडितायन, तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया। तुम लगातार हर मंगलवार को व्रत नियम से करती आई हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पंडितायन ने कहा, न मुझे सोना चाहिए, न अन्न, न धन, मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडितायन ने कहा, नहीं, पहले ही दो पुत्र चले गए हैं। पंडित जी ने मुझे उन्हें आंख भर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। प्रिय भक्तों, उस पंडितायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडितायन, जरा कमरे के अंदर जाकर तो देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडितायन ने जैसे ही पुत्र के कमरे में कदम रखा, उसका पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों में गिर गया। और इस प्रकार पंडितायन के मंगलवार के व्रत के प्रताप से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों नौ निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि मंगलवार के दिन जो उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथाओं को श्रवण करेगा तो वह धन, पुत्र, आरोग्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा, वह हर प्रकार के संकटों से मुक्त रहेगा। तो बोलिए, बजरंग बली महाराज की जय। जय श्रिया राम, जय जय श्रिया राम। ओम नमः शिवाय।